88 की उम्र में ससुर बने सलीम खान, बेटे अरबाज ने रचाई दूसरी शादी, शूरा बनी खान परिवार की नई बहू। अरबाज की शादी पर बोले सलीम खान, बेटे ने नहीं किया कोई गुनाह। 88 साल की उम्र में एक बार फिर सलीम खान ससुर बन गए हैं। खान परिवार में शूरा नई बहू बनकर आई हैं। अरबाज ने 56 साल की उम्र में दूसरी बार निकाह कर लिया है। 24 दिसंबर को अरबाज और शूरा ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में निकाह की रस्म निभाई। इस शादी पर अभी तक खान परिवार चुप्पी साधे हुए था, लेकिन अब घर के मुखिया सलीम खान ने अरबाज की शादी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा, उन्होंने शादी करने का फैसला किया, मेरे हिसाब से ये कोई गुनाह नहीं है, मैं उनके लिए खुश हूँ और मैंने दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दे दिया है। सलीम खान से जब पूछा गया कि शादी करने से पहले क्या अरबाज ने इसे लेकर उनसे कोई बातचीत की, जिसके जवाब में सलीम खान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि चर्चा की कोई जरूरत थी, वो एजुकेटेड और मैच्योर है और अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है, मेरी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर वो खुश हैं तो फिर कोई बात मायने नहीं रखती, उन्होंने बस इतना बताया कि वो शादी करने जा रहा है और मैंने कहा ये ठीक है, मुझे भी लगता है कि किसी के जीवन में इंटरफेयर ना करना ही बेहतर है क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। अरबाज ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी रचाई है। शादी का फंक्शन अर्पिता खान शर्मा के बंगले पर रखा गया। शादी में सलमान खान, हेलन, अलवीरा के साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शरीक हुए। शादी के बाद संगीत का एक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें नई भाभी शूरा के साथ सलमान खान जमकर नाचे। अरबाज ने भी नई बीवी के लिए गाने गाए। नई बहू के आने से खान परिवार में खुशियों का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।